हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वाले लेशन में मैंने किसी चालक की वैद्युत धारिता और विलगित आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का धारिता के लिए व्यंजक हमने निकालना आपको बताया था। आज की वीडियो में आपको आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा जो कि हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होती है, इसे हम प्रूव करेंगे। तो स्थिति ऊर्जा होती क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। कोई भी चालक है, यदि हम किसी भी चालक को चार्ज करते हैं, उसे आवेशित करते हैं, तो जितना भी कार्य किया जाता है, क्योंकि तो कोई चीज़ करना है, मतलब करना क्रिया करना हमारा क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो यदि चालक को हम आवेशित करते हैं तो जितना भी क्रिया करते हैं, मतलब कह सकते हैं किए गए संपूर्ण कार्य को हम क्या कहते हैं, आवेशित चालक की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और हम एक चालक लेते हैं जिसकी धारिता सी है और उसे हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद हम ये देखते हैं कि उस पर जो आवेश की जो मात्रा है, क्वांटिटी है जो चार्ज की, वो क्यू वन है और पोटेंशियल क्या है, वी वन। ये सपोज कर लेते हैं तो क्यू वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी वन। और यहाँ से हम वी वन निकालेंगे तो क्यू वन अपॉन सी हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम डी क्यू, हम एक सूक्ष्म अनंत आवेश डी क्यू को क्या करते हैं, अनंत से लेके आते हैं, इन्फाइनाइट से लेके आ करके उसको वी वन पोटेंशियल पर चालक को देने में जो है टोटल कार्य फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था लास्ट लेसन में कि वी इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहाँ से यदि हम डब्ल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी क्यू हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, कार्य हमारा क्या है, कार्य हमारा बहुत ही छोटा है, अति सूक्ष्म है, क्योंकि हमने आवेश अति सूक्ष्म लिया हुआ है, तो हमारा जो कार्य होगा वो बहुत ही छोटा होगा। तो हमने डी लगा दिया, डी डब्ल्यू इक्वल टू वी वन, क्योंकि वी वन हमने सपोज किया, इंटू डी क्यू, चार्ज भी हमारा क्यों नहीं है, छोटा है, तो डी क्यू हो गया। इसी फॉर्मूले से डब्ल्यू निकालेंगे तो वी क्यू मतलब वी वन इंटू डी क्यू। अब यहाँ वी वन की वैल्यू ये पुट कर लेते हैं तो क्यू वन सी डी क्यू हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, अब हम चालक को क्यू वन इक्वल टू जीरो से और क्यू वन इक्वल टू क्यू आवेश देने पे, मतलब पहले हम सपोज कर लेते हैं कि उसे कोई भी चार्ज नहीं दिया गया और उसको फाइनली जो चार्ज दिया जा रहा है वो क्यू दिया जा रहा है, तब देने में कितना कार्य किया जाएगा। डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल क्या करता है, टोटल हमें बताता है। तो हम डब्ल्यू निकालेंगे, तो डब्ल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू को इंटीग्रल लगा देंगे, वो भी लिमिट क्या होगी, जीरो से जो है क्यू तक होगी। तो जीरो से क्यू डी क्यू डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू हमने ये पुट कर दिया, उसके बाद वन अपॉन सी, ये कॉन्स्टेंट एज द कॉन्स्टेंट इसको हमने बाहर रखा, जीरो से क्यू हो जाएगा, साइन इंटीग्रेशन क्यू वन डी क्यू। अब एक फार्मूला होता है मैथमेटिक्स में, जो भी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उन्हें पता होगा इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन है। यदि ए टू बी एफ एक्स है, लिमिट लगी हुई है, तो जब इसका हम इंटीग्रेट इसको करते हैं तो समझ लेते हैं कुछ ना कुछ मिलता है, तो हम समझ लेते हैं एफ एक्स मिलता है इंटीग्रेशन के बाद, और उसकी लिमिट लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट हो गई। उसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अपर लिमिट रखी जाती है, बीच में साइन का जो साइन होता है माइनस का होता है, फिर उसका लोअर लिमिट रखी जाती है, इसके हिसाब से एफ बी माइनस एफ ए हो गया। तो हमने ये क्या किया, इस पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई किया यहाँ पे, तो ये जो है क्यू वन इसका एक पावर है, इसका कितना पावर, एक पावर है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो एक प्लस वन अपॉन एक प्लस वन कितना डायरेक्ट हमने कर दिया, दो हो गया। अब दो हो गया, दो हो जाने के बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट रखेंगे, पहले क्यू रख देंगे क्यू वन की जगह पे, फिर जीरो रख देंगे, जीरो मिल जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लिए, वन बाई टू क्यू स्क्वायर बाई सी मिल गया, तो हमको फाइनली डब्ल्यू इक्वल टू मिल गया वन बाई टू क्यू स्क्वायर बाई सी। अब आपको पता है कि जो कार्य ही हमारा जो होता है वो क्या होता है, स्थिति ऊर्जा होती है, मतलब किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा होती है। तो हम जो डब्ल्यू इसको यू के रूप में लिख सकते हैं, यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो हमें जो प्रूफ करना था पहला हमने प्रूफ कर लिया है, अब हमें ये वाला प्रूफ करना है। तो हम इसे इक्वेशन वन बना लेते हैं, यहाँ पर देखिए इक्वेशन वन बना लिया है, क्यू बराबर क्या होता है, सी वी, क्योंकि हमने पहले ही लेशन में आपको शुरुआत में ही बताया सी इक्वल टू क्यू वाई वी, तो क्यू बराबर सी वी हो जाएगा, रख दिया जो स्क्वायर है सी स्क्वायर वी स्क्वायर, सी सी कैंसिल हो जाएगा, एक सी वी स्क्वायर हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसके बाद हम इसी इस समय इक्वेशन नंबर वन में जो हमें ये मिला हुआ है इसमें हम सी की वैल्यू रखेंगे, तो सी बराबर क्या होता है, क्यू वाई वी, फॉर्मूला रख दिए तो क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये एक क्यू यहाँ बच गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो हाफ क्यू वी मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमें जो हमें प्रूफ करना था, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू क्यू स्क्वायर बाई सी, और एक अतिरिक्त हमें मिल गया ये हाफ क्यू वी मिल गया। तो यही फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन इस पर आते हैं, तो इसी फॉर्मूले से वो कैलकुलेट होंगे।
और जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।